नमस्कार, मैं श्रेया दो, आप देख रहे क्लाउन टेल्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। इस वक्त हमारे साथ हैं वाराणसी के प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विकास अग्रवाल। आइए जानते हैं कि आजकल युवाओं में हार्ट अटैक के क्या कारण हैं। अटैक के मेजर कारण हैं वो उनके खान पान की शैली, उनके रहन सहन के तरीके, उनकी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, उनका स्मोकिंग हैबिट, उनकी फिजिकल इनएक्टिविटी, ये इम्पॉर्टेंट रीज़न है। यदि वो अपने खान पान को लेके सजग रहें, बाहर के फूड को अवॉइड करें, घर के फूड से ज़्यादा अपनी मैक्सिमम फूड वो घर की फूड रखें, बाहर के स्नैक्स अवॉइड करें, और अपने में अपने डेली रूटीन में क्या कहते हैं, यदि फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन कर लें, एटलीस्ट वो 40 मिनट की यदि मॉर्निंग आवर्स की वॉक मेंटेन करें, तो हार्ट अटैक के चांसेस के होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, प्रॉपर स्लीप ना होना, मोटापा बढ़ना, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो स्ट्रेस को भी अवॉइड करने के लिए जो भी कर सकते हैं सोशल एक्टिविटी के साथ साथ योगा, फिजिकल वॉक, ये सभी चीज़ें सपोर्ट करती हैं। तो खान पान से लेकर, योगा से लेकर, फिजिकल एक्टिविटी, फूड बिहेवियर को अच्छा करने से आज ये चीज़ों को हम लोग कम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कभी कभी ये हार्ट अटैक इतना सीवियर होता है कि अगर समय पे मेडिकल एड ना मिले तो उनकी मृत्यु तक हो जाती है। बिल्कुल, इधर हाल में हम लोगों ने बहुत एग्जाम्पल्स देखे हैं, चाहे वो अपने शहर में देखे हैं, चाहे वो हमें देश दुनिया की खबरों में न्यूज़ चैनल्स के थ्रू देखे हैं। इसका सही सोल्यूशंस तो यही होता है कि आप इंडिविजुअल लेवल पे आप कुछ नहीं कर सकते, जो सही बात है। इसके लिए आपको जितनी जल्दी हो सके नियर बाई हॉस्पिटल्स में, नियर बाई नॉन हॉस्पिटल्स में या नियर बाई कार्डिक हॉस्पिटल्स में जाएं, वहाँ पे फर्स्ट एड के रूप में कुछ मेडिकेशंस मिल दी जाती है, जो ब्लड थिनर्स होती हैं जो तुरंत मिलनी चाहिए। उसके बाद उनके कुछ वर्कअप्स होते हैं जैसे ECG, ECO, एंजाइम्स, और उसके बाद कभी ज़रूरत पड़ती है एंजियोग्राफी की। यदि ये प्रॉपर समय से उनको कुछ मेडिसिन मिल जाएँ और उनका वर्कअप हो जाए तो इनको हम लोग रोक सकते हैं। आज के समय हमारे पास ऐसी बहुत ट्रीटमेंट हैं, लाइक यदि एक्यूट अटैक है उनको और उनके यदि हम समय पर एंजियोग्राफी कर लेते हैं और ब्लॉकेज 100% रहते हैं, और कई ब्लॉकेज जो 100% के होते हैं उसमें कई बार क्लॉट्स मिलते हैं, यदि हम उस ब्लॉकेज को रिमूव करके, क्लॉट्स को रिमूव करके वहाँ पे यदि ज़रूरत होती है एंजियोप्लास्टी करनी होती है, एंजियोप्लास्टी कर लेते हैं तो उनकी लाइफ को हम लोग बहुत हद तक सेव कर सकते हैं। तो वाराणसी की जनता को हार्ट अटैक से बचने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश हमारा हमेशा रहता है आपके माध्यम से और अपने कई माध्यम से कि भाई वो अपनी फिजिकल, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे बहुत ध्यान दें, अपने वेट पे ध्यान दें, अपने फूड बिहेवियर पे ध्यान दें, अपने लाइफ स्टाइल पर ध्यान दें। यदि वो स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग, टबैको बिल्कुल छोड़ दें। इसके बाद यदि उनका ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल है तो उसके लिए अपने कंसल्टेंट से मिलें और जितना हो सके इस पे ध्यान दें, क्योंकि ये हमारे ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं। यदि ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है, लाइक यदि ब्लड प्रेशर की वैल्यू टारगेट हमको 130-80 यंग्स में रखनी है, शुगर की वैल्यू हमें फास्टिंग PP 100 और 140 के आसपास रखनी है, HbA1c जो बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर है हमें लेस देन 6.5 रखना है, इसी तरह कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल जो कि हमको लेस देन 100 रखना है। ये बातें हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बातें आजकल सब लोग जानने लगे हैं, इसलिए यदि वो इस चीज़ के लिए अवेयर रहेंगे कि इनकी वैल्यू सही रहे तो आगे इनके चांसेस खतरे होने के यंग्स में बहुत कम रहेंगे। क्लाउन टाइम से बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। क्लाउन टाइम्स TV यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी को जरूर दबाएं। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।